पाव भाजी वन ऑफ माई मोस्ट एंड इसको बनाना अनसरप्राइजिंगली इजी नहीं है आपको एक दिन पहले ही सोचना पड़ेगा एंड अपनी सारे वेजिटेबल्स को ला रखना पड़ेगा बट जो अवेलेबल है आप उससे भी बना सकते हो लेकिन गोभी एंड आलू बहुत इंपॉर्टेंट है गोभी वो स्वीट नटी मीठी फ्लेवर प्रोवाइड करती है जबकि आलू वो बॉडी वॉशर्ड वेजिटल्स एन उन्हें अच्छे से बॉइय करना है उसके बाद पाव भाजी मसाला बना लेते हैं एंड देन अपनी कुकिंग पे चलते हैं यहाँ पे ऑयल जीरा एंड देन मैंने अनियंस के बाद बटर एड किया बिकॉज बटर का स्मोकिंग पॉइंट कम होता है जीरा तो प्लेटर होगा नहीं बटर जल जाएगा इसलिए उसे बाद में ही एड करना वही अनियन एरोमेटिक्स टमेटोज एक बार